ऑनलाइन क्लास से बच्चों की आंखों से हम खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? उसी पर डॉक्टर अनज्ञा हेरूर से खास बातचीत की गई। इस पर आधारित महावीर बड़ाला की ये रिपोर्ट। कोरोना काल में घर पर रहकर बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में भाग लिया या फिर घर पर रहकर कंप्यूटर में काम करने वालों की भरमार इस लॉकडाउन में काफी दिखाई दी, जिस वजह से आंखों की समस्या बढ़ने के साफ संकेत मिलने की जानकारी डॉक्टर हेरूर ने दी। उन्होंने कहा कि दिन भर में 2 घंटे के ऊपर है उनका डिजिटल आई स्ट्रेन नाम का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो जो लोग कंप्यूटर का प्रमाण ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए स्पेशल टिप्स है। पहली बात तो यह है कि आपका जो पोस्चर, जो बैठने का पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। जो आपकी नज़र है वो कंप्यूटर के लेवल पे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्लिंकिंग है नॉर्मली 15 times per minute होना चाहिए। जो कंप्यूटर मोबाइल या टीवी लैपटॉप देखते हैं उनका ब्लिंकिंग कम हो जाता है। अगर ब्लिंकिंग कम होता है तो इवेपोरेशन हो जाता है सरफेस से, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव ड्राई आई का प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से ड्राइनेस की तकलीफ बढ़ जाती है। तो ब्लिंकिंग ज़्यादा करें, फ्रिक्वेंटली करें और कम्प्लीटली करें। तीसरी बात, आप गर्म पानी का सेक कर सकते हैं, हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हैं। जैसे आप एक कर्चिफ गर्म पानी में डुबो के निचोड़ के लगाना है 10 मिनट शाम को, 10 मिनट सवेरे, जिससे इधर के जो ग्लैंड्स हैं अगर ब्लॉक है तो वे ओपन अप हो जाते हैं। स्पेशल लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से चेकअप होने के बाद। आंखों का पूरी जांच आपकी कर लेनी चाहिए, जिसमें हम चश्मे का नंबर ही नहीं लेकिन आपके आंखों के बाजू में जो ग्लैंड्स है वो फंक्शन बराबर कर रहे हैं कि नहीं, आपके जो आंसू का लेयर स्टेबल है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखते हैं। अगर इनमें प्रॉब्लम है तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट एक IPL नाम के ट्रीटमेंट से दिया जाता है। बच्चों को स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ज़्यादा TV, कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, उनका जितना हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते उतना रिस्ट्रिक्ट करें। और 20-20-20 रूल है ये फॉलो करें, मतलब आफ्टर एवरी 20 मिनट्स ऑफ वर्क 20 फीट के डिस्टेंस पे 20 सेकेंड्स तक देखना चाहिए, ताकि आपके आँखों पर ज़्यादा स्ट्रेन ना हो। पानी ज़्यादा पिए, फास्ट फूड जैसे कोलाज हैं या बर्गर्स है उसका प्रमाण जितना हो सके कम करें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, और आपका जो खाने का समय है और सोने का समय है वो नियमित होना चाहिए। इरेग्युलरिटी होने की वजह से कभी कभी आंखों पर दुष्परिणाम ज़्यादा होता है। थैंक यू। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।